फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ कैसी कट रही है। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी। साथ में मिलेगी प्यारी सी एडवाइस जो है आपके हित के लिए बेहद ही जरूरी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालते हैं। अपने डिवाइन को याद कीजिए और पॉजिटिव होके थर्ड पार्टी की रीडिंग देखिए, क्योंकि आज की रीडिंग जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पर्सन आपके लिए थर्ड पार्टी के लिए, जिसने आपके साथ कुछ लोगों के साथ आर्गुमेंट हुए होंगे, कुछ के पीठ के पीछे वार किया होगा, नए नए रंग दिखा के जो थर्ड पार्टी के साथ भागे हैं, उनकी कैसी कट रही है? क्या वो खुश है या दुखी है या अपना टाइम भी पास कर रहे? चलिए, डिवाइन का टैरो का पहला कार्ड है गाइस, फोर ऑफ वॉन्ट्स। थर्ड पार्टी रीडिंग हो और थ्री नंबर कार्ड आए, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड। द डेविल, द स्टार, थ्री नंबर एक और मेजर और करने का, द एम्प्रेस, एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गई थर्ड पार्टी। गाइस, बॉटम क्या है? सेवन ऑफ कप्स। तो चलिए रीडिंग की तरफ। अगर मैं यहाँ साइन की बात करूँ तो गाइस यहाँ सारे साइन हैं। एलिमेंट की बात करूँ ना, यहाँ मेजर अरकाना के भी कार्ड है, यानी कि स्पेस एलिमेंट भी है, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है, यानी कि सभी राशियों के कार्ड है। हालांकि जनरल रीडिंग में मायने नहीं रखते, फिर भी मैं बता देती हूँ। कुछ नंबर बताने जा रही हूँ, हो सकता है आपके रिश्ते के लिए या आप लोगों के लिए ये नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। गाइस, नंबर थ्री इम्पोर्टेंट है, नंबर फोर इम्पोर्टेंट है, नंबर सेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर एट इम्पोर्टेंट है, नंबर नाइन इम्पोर्टेंट है, नंबर ट्वेल्व इम्पोर्टेंट है, नंबर थर्टीन इम्पोर्टेंट है, नंबर सेवनटीन इम्पोर्टेंट है, नंबर फिफ्टी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट की गाइस बात की जाए तो नंबर थ्री जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो रिपीट हुआ हुआ है। नंबर एट है जो, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो रिपीट हुआ हुआ है। हो सकता है आपने इस डेट को अपने पर्सन के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गए हो, या उन्होंने कभी आपको प्रपोज किया हो, या आपकी कुछ ऐसी यादें हो जिस दिन का आपको हर हर समय हर साल उस यादों को याद करके
अपने चेहरे पे स्माइल लेके आते हो और आप लोगों का बर्थडे भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ कैसी कट रही है। तो गाइस सबसे पहले मैं ये बताऊं, थर्ड पार्टी जो है फैमिली और उनका कोई क्रश हो सकता है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है इस टाइम, कुछ लोगों के पर्सन है कि पार्टी वार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है सेलिब्रेशन का। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, आपके पर्सन अगर मैं इस कार्ड में देखती हूं तो ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के चक्कर में आपसे अलग तो हो गई और इस टाइम इस बंदे की ये हालत है। एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसको अपनी ज़िंदगी से मोह नहीं है, जो सिर्फ अपने अकेलेपन का साथी रह गया है, किसी की ज़रूरत नहीं समझता, सिर्फ तन्हाई को ही उसने अपना साथी बना लिया है। उसको थर्ड पार्टी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी मेल नहीं खाते। डेविल का कार्ड ये बताता है, देखिए एक इधर थ्री नंबर कार्ड, इधर मैनिफेस्ट का कार्ड, बीच में आया डेविल का कार्ड। तो ये बताता है कि ये पर्सन जो है आपके थर्ड पार्टी के प्यार में, चंगल में अगर उनका कोई क्रश है तो फिज़िकल रिक्वायरमेंट या कुछ उनके आकर्षण की तरफ बढ़े जरूर थे, आकर्षित हुए जरूर थे और वो चीज़ें इनको, इनका मन जो था एक कहते ना सुंदर चीज़ की तरफ, एक ज़रूरत की तरफ या एक आकर्षण की तरफ भागा, वैसे भागा था। और ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का कार्मिक कलेक्शन है। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पे शायद कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कुछ करा रखा हो। तो गाइस ये इनका आकर्षण से एक रिश्ता तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इस रिश्ते की जो नींव है वो ख़राब है, क्योंकि एक ज़रूरत से किसी के साथ रिश्ता जोड़ना और किसी को देख के लव हो जाना या उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा हो जाना कि यही है सब कुछ, वो आप में है। यहाँ कुछ चीज़ें और है, यहाँ एक दूसरे का आकर्षण है, फिज़िकल रिक्वायरमेंट है या चापलूसी है या अपना मतलब है, जिस रिश्ते में सोलमेट और ट्विन फ्लेम की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये पर्सन ऐसे हुए हैं रिश्ते में बंधने के बाद अपने थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। अगर ये पर्सन आपसे अलग होने के बाद थर्ड पार्टी के साथ इनकी ऐसे कट रही है, थर्ड पार्टी जहाँ, तो ये पर्सन अभी इस बात को भी जानते हैं कि आप में बहुत अच्छी क्वालिटियाँ हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप वेल सेटल इंसान हो, आप सुंदर हो, स्मार्ट हो, बोलने चालने का आपको सलीका है और आप उनके फ़ोन कॉल एस मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन ये तब भी उधर चले गए, वही कह रही हूँ ना, जहाँ आकर्षण या ब्लैक मैजिक जैसा हो सकता है कुछ करा हो। थर्ड पार्टी घर में, अगर फैमिली की बात करूँ तो इनकी फैमिली में कोई लेडी हो सकती है, लेडी हो सकती है, लेडी फिगर, चाहे इनके रिश्तेदार, इनकी मदर भी हो सकती है, सिस्टर, बुआ, भाभी, माँ, कोई भी हो सकती है, जिसने इनके ऊपर अच्छे डंडा जोर से खटका के रखा हुआ है, भाई मेरे हिसाब से चलना है, जहाँ अपनी करी वहाँ फिर अपने आप, मैं अपने आप में आ जाऊँगी तो संभाल ही नहीं जाऊँगी। इस चीज़ को ये पर्सन गाइस बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब थर्ड पार्टी अपने आय पे आएगी तो बुरी हालत ही होनी है। थर्ड पार्टी इनसे फाइनेंस के लालच में एक ऐसा इंसान उसको मिला हुआ है जो अपने, जिसे जैसे चाहे अपने तरीके से नचा सकती है। अगर ये कार्ड देखे तो ये सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज है कार्मिक का कनेक्शन का। ये भी कार्ड बताता है कंफ्यूज भी है और थर्ड पार्टी ने इनको, अगर दो तरफ देखो तो इनको ऑप्शन में ले रखा है। जैसे इस पर्सन ने आपकी गौर नहीं ना करी, ये थर्ड पार्टी के साथ है ज़रूर, थर्ड पार्टी ने इनको ऑप्शन में ले रखा है और ये बहुत कंफ्यूज हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक सिंगल होंगे और एक
डिवोर्स, बच्चे वाला, कुछ कुछ भी हो सकता है, मैरिड अनमैरिड जैसे मैं बोलती हूँ। तो आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी का रोल है, ये पर्सन जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि इस चीज़ को ये पर्सन समझते हैं कि थर्ड पार्टी ने इन्हें एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है और एक भाड़े के मजदूर की तरह, जिससे सिर्फ वो जरूरतें और मतलब सारने के लिए है। इससे थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पर्सन दुखी है, ये अकेला है या तन्हाई के साथ सामना कर रहा है। गाइस, इस पर्सन ने काफ़ी एफर्ट लगाए, काफ़ी वर्क करा, पर इसको जो है इसी काम के लिए रखा हुआ है उसने। थर्ड पार्टी इस आपके पर्सन को देख के इतनी खुश नहीं होती कि जैसे होना चाहिए, जितना आप खुश होते हो। आप इस पर्सन को फ़ोन कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, इनके एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो, पर आपकी एक चीज़ ऐसी है कि आप भी उसी जगह खड़े पड़े हो कि नहीं, ये तो आएंगे ही आएंगे। तो गाइज, मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों के पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ मौज मस्ती मेला कर रहे हैं, और फर्स्ट कार्ड क्या आया था? सेलिब्रेशन का, ट्विन फ्लेम का। ये आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि नीचे आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये पर्सन इतने दुखी हैं, इतने दर्द भरा इनका अंदर से मन है, तो ये पर्सन जो है आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं पास्ट में जाके कहाँ मैंने गलतियाँ करी और कहाँ मेरे से गलत हुआ, और आगे से मैं इन चीज़ों से सीख लूँ। इस चीज़ के लिए भी अंदर से रेडी हो रहे हैं, और बैलेंस बना के और अपने रिश्ते में, दोबारा से मैं बोल रही हूँ, एफर्ट लगा के चाहते हैं। ये मेहनती बहुत है गाइस, ये पर्सन ये पूरा वर्क करना चाहते हैं अपने इस रिश्ते को, जिनको कभी ये बहुत प्यार करते थे और अपनी लापरवाहियाँ और थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने खो दिया। वर्क करके, खूब मेहनत करके, अगर चोटी का भी मेहनत करनी पड़ी तो ये करेंगे। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करके सेलिब्रेशन के साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि एक घर और सेलिब्रेशन, हो सकता है एंगेजमेंट, हो सकता है मैरिज, जो भी आप चाहते हो जाएगा। डायरेक्ट मैरिज बोलोगे तो मैरिज, एंगेजमेंट बोलोगे तो एंगेजमेंट, यानी कि ये अपनी खुशियाँ जो है आपकी और अपनी खुशियों को एक बनाना चाहते हैं। इस टाइम ये पर्सन की ऐसी कट रही है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। थर्ड पार्टी काफ़ी अपने तरीके से हैंडल करती है, और इस पर्सन को ऑप्शन की तरह उसने समझा हुआ है। जैसे मैं आपको बता दिया कि द डेविल का कार्ड है, हो सकता है कुछ किया कराया हो, लेकिन ये पर्सन और थर्ड पार्टी का ऐसा है, अगर इनकी नोक झोंक और दिल में प्यार नहीं है, फिर भी एक साथ रह रहे हैं, एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आप टॉक्सिक कनेक्शन कह सकते हो। टॉक्सिक कनेक्शन में क्या होता है, ये रहना भी वही है, लड़ाई होती हो ही जाए, जान माल हानि का भी नुकसान होता हो ही जाए, लेकिन गुजारा नहीं है। यहाँ जो कंडीशन है थर्ड पार्टी की साथ आपके पर्सन की, ऐसी कट रही है। आपके पर्सन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, थर्ड पार्टी अंदर ही अंदर मीठी ही मीठी चीज़ में इनको काफ़ी परेशान करती है, अपना चलाती है। क्योंकि जिस चीज़ को आप ऑप्शन में रखते हो तो क्या होता है, उसकी कदर उतनी की होती है। कहते हैं अगर कोई समझने वाला हो तो गाड़ी का पांचवा टायर चार टायरों से बेहतर होता है, क्योंकि रास्ते में कभी रुक जाती है तो वो पांचवा टायर काम आता है। तो अगर जो ना समझने वाला, उसने कहना पांचवा टायर है, इसके जब ज़रूरत पड़ेगी तभी लगा लो। तो अगर ये इंसान का नज़रिया है, जो ऑप्शन की तरह जिसको रखता है, ऑप्शन की तरह रखने के बाद अगर कोई ऑप्शन, आज ऑप्शन है कल ऑप्शन ही ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, तो थर्ड पार्टी के साथ यही होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन भी इसका ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आपके पर्सन मैनिफेस्ट करके, आपको प्रपोज करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ये देखिए कदम उठा लिया है, और द एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि ये समझ गए हैं कि आपके साथ लाइफ जीने का मज़ा ही और है। गुड लक को आपके साथ ज़िंदगी में तरक्की है, ग्रोथ है, सेक्स है, सेक सक्सेस भी है, सॉरी सक्सेस है,
और ज़िंदगी का हर तजुर्बा, ज़िंदगी का हर तजुर्बा सीखने का मौका मिलेगा। आप हर तरह से इंसान से डील करने की वो रखते हो जो एक लाइफ पार्टनर को चाहिए होती है। सक्सेस के पीछे कहते हर किसी का हाथ होता है, किसी ना किसी इंसान का, पर ये चाहते हैं कि आप इनके साथ जुड़ो और आपकी सक्सेस इनकी सक्सेस एक हो। ये जो है आपको अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा बनाना चाहते हैं जो, जिसको ये कहते हैं कि लकी, अपना लक बनाना चाहते हैं, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। हम दो, हमारे दो वाली फीलिंग ये रखते हैं। तो गाइज देखते हैं ये पर्सन कब आएंगे। इनकी सक्सेस के रास्ते में आप हो, इनकी कामयाबी के रास्ते में आप हो। तो ये आपके साथ अपनी कामयाबी बनाना चाहते हैं। बहुत थर्ड पार्टी इनको परेशान, बहुत ख़राब, ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि बहुत ख़राब कट रही है इनकी। ये मुंह से बताते नहीं हैं लेकिन दिल से बहुत दुखी हैं। ये कार्ड निकले हैं गाइस। देखिए चैरियट का कार्ड आ गया गाइस। इसमें यही है, 2 वीक भी लग सकती है, 7 मंथ भी लग सकते हैं, 2 वीक से लेके 7। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है 2 वीक में अपना कोई ना कोई साइन दे दे। तो 7 वीक 7 मंथ तक आपके पर्सन आते हुए मिल रहे हैं आपको, बोल्ड कंडीशन के साथ है। अच्छे बुरे का एहसास पूरा अपना अंदर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूरे इनर वर्क करके आपकी तरफ लौटेंगे कि इसके बाद अगर कोई भी बीच में आया तो मैं खुद हैंडल करूँगा या करूँगी। चलिए आपके लिए क्या है डिवाइन बताइए, ये प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं इनके लिए क्या एडवाइस है। ये अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं होपफुल होके कि आज नहीं तो कल इनके पर्सन आएंगे। बल्ले बल्ले हो गई, शवा शवा हो गई। जी हाँ, डिवाइन ने निकाला है आपका ये कार्ड। ये बताता है कि आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि सांप जी आने वाले हैं। तो वो वक्त आपका इंजॉय वाला सक्सेस लेके आएगा आपके लिए, यानी कि हर खुशी आपके लिए लेके आएगा ये वक्त आपका। ये अपने आप में सबसे बढ़िया कार्ड है 10 नंबर का, मेजर अरकाना का, कि आपको क्या करना है। वक्त आपका अच्छा आने वाला है लेकिन आपके लिए हिदायत है कि आपने अपनी डेली मर्रा की चीज़ों को नहीं भूलना। हो सके तो बर्ड्स को, डॉग्स को फीड कराएं, थोड़ा स्पिरिचुअल रहें और अपने पूर्वजों की अगर कोई मन्नत है तो उस मन्नत को पूरी करें। ये रास्ते, ये कार्ड ये भी बताता है कहीं ना कहीं अड़चने हैं, आपके रास्ते जो है बंद हुए हुए हैं, तभी ये पेन चीज़ें जो हैं आप पेन वाला टाइम आप फेस कर रहे हो। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।